वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं हूँ आज रेडिसन ब्लू द्वारका में। मेरे पीछे ही पूरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, अभी मैं बिल्कुल बाहर हूँ। बाहर से आपको पूरा होटल दिखाऊंगी कैसा दिखता है एंड इस होटल के क्या पर्क्स हैं, रूम वगैरह पूरा टूर दूंगी। सो जल्दी से चालू करते हैं, मैं जल्दी से आपको होटल दिखाती हूँ। ये है हमारी एंट्रेंस एंड ये थोड़ा सा एक मॉल शॉपिंग मार्केट है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। एंड ये है होटल की एंट्रेंस, अंदर जाते हैं, मैं आपको होटल लॉबी एंड जो जो एरियाज हैं, ब्रेकफास्ट रूम सब चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सो चलते हैं, आई शो यू द लॉबी फर्स्ट। ओके, ये है हमारी लॉबी, काफ़ी अच्छी है। ऐसे इधर छोटे से गणेश जी सिटिंग, थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे, आप बैठिए रिलैक्स करिए। वो रहा रिसेप्शन एंड मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये थोड़ा सा डेकोर एंड ये है आज का ड्रिंक है कुछ, आई थिंक डिटॉक्स वाटर पीते हैं। एक मिनट, अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। ये है हम लॉबी से एक रास्ता आता है जो कि लॉबी का ही फ्लोर है एंड ये एक थोड़ा सा इन्होंने एक आर्केड टाइप्स बना रखा है, सिटिंग एरिया है बेसिकली। ये शॉप्स वगैरह हैं इधर, ऊपर स्मैश है जहाँ पे मैं अभी आपको लेके जाऊँगी, शॉपर स्टॉप है, क्रोमा वगैरह सब कुछ है इधर एंड थोड़ा सा मतलब शॉपिंग आर्केड है और कुछ ज़्यादा नहीं है इधर। काफ़ी सुंदर पैंटलून्स भी है, मैं आपको लेके जाती हूँ होटल के अंदर से जाने का पूरा एरिया है प्रॉपर। सो अब चलते हैं, मैं आपको लेके जाती हूँ। ये है ब्रेकफास्ट एरिया एंड ये है यहाँ से पूरा होटल का व्यू, वहाँ ऊपर है मेरा रूम, काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड ये नीचे कोई ये नॉर्मल सा गोल्फ प्लेइंग एरिया है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। एंड ये नाम है स्प्रिंग कॉफ़ी शॉप एंड होटल ऐसा दिखता है। होटल के अंदर ही इंटरकनेक्टेड मॉल है एक, वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब थोड़ा मॉल खुल जाएगा, अभी तो बंद है। एंड ये इनका एक सिटिंग एरिया है, लाउंजिंग एरिया, पे पेस्ट्रीज मिलती हैं, बार काइंड ऑफ एन एरिया ये है इनका। एंड ये है जो मैं मॉल की बात कर रही हूँ, अब वेस्ट साइड है, बरिस्ता पैंटलून्स अभी सब खुलेगा फिर मैं दिखाती हूँ। ये है एट्रियम एंड ये है इनका एक एरिया वेर यू कैन जस्ट सिट चिल रिलैक्स, काफ़ी सुंदर है। अब मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ, उधर दिखाती हूँ कि क्या क्या है। अभी जब प्रॉपर पूरा मॉल दिख जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ वापस टूवर्ड्स माई रूम एंड मैं आपको रूम दिखाती हूँ अपना। तो ये हम आ गए हैं 8th फ्लोर पे जहाँ पे मेरा रूम है, ऐसा दिखता है सुबह के टाइम, काफ़ी अच्छा, वेरी नाइस। अब भी लेके चलती हूँ अपने रूम की तरफ। तो अब चलते हैं मेरे रूम में एंड ये है मेरा ब्यूटीफुल रूम। पहले आ जाता है वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस है एंड मिरर लाइट्स एवरीथिंग नाइस। ये छोटा सा इन्होंने वार्डरोब एरिया दिया है, लगेज वगैरह रखने के लिए लॉकर, आयरन मशीन एंड ये एक छोटी सी वॉल पेंटिंग, देन यहाँ पे बहुत बड़ा शीशा है। एंड आगे चलते हैं रूम में, ये है सुंदर सा रूम, लाइट मुझे थोड़ी कम लग रही है। ओके, ये है रूम, काफ़ी पुराना होटल लग रहा है मुझे, आई मीन दिस इज़ व्हाट द रूम लुक्स लाइक। मैंने वहाँ पे अपनी रिंग लाइट सेटअप कर ली है क्योंकि मैं व्लॉग शूट करूँगी। एक छोटी सी स्टडी टेबल दे रखी है एंड ये थोड़ा सा सिटिंग एरिया व्यू है ये, एंड ये काफ़ी सुंदर ऊपर डोम शेप दिख रहा है एंड सामने काफ़ी सारे रूम्स हैं। नीचे इन्होंने कुछ तो ये गोल्फ आर्केड टाइप्स बनाया हुआ है सिटिंग एरिया एंड यहाँ पे भी एक छोटा सा सिटिंग एरिया है जो मैं अभी आपको पूरे होटल के टूर में दिखाऊंगी, आपको वो दिख चुका होगा अभी तक। एंड नीचे स्मैश बोलिंग एरिया भी है, वो भी मैं कवर करूँगी। सो ये है मेरा पूरा का पूरा रूम एंड या ये है इनका स्मैश गेमिंग एरिया, गेम्स हैं इधर, बच्चों के साथ आ सकते हो आप जो भी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। वाओ, प्रॉपर गेमिंग आर्केड है तो पूरा नाइस।
हम आ गए हैं लेवल 1 पे। एंड अब मैं आपको इसका जो मेन एरिया आपको पहले नहीं दिखा पाई थी क्योंकि तब बंद था, अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। एंड होटल काफ़ी सुंदर लगता है अंदर से, नेचुरल लाइट का इन्होंने फुल सोर्स रखा हुआ है अंदर, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड आई थिंक ये काफ़ी तरह की शोरूम्स है जो पहले थे अब बंद हो गए हैं कुछ भी, वहाँ पे मॉल का एरिया है, मैं आपको लेके चलती हूँ अभी, वहाँ चलते हैं। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ सब कुछ, अब जाते हैं हम मॉल में। सिटिंग एरिया तो उन्होंने काफ़ी बना रखा है, शैंडलियर्स। होटल बहुत बड़ा है, ये तो मुझे पता लग रहा है कि होटल इज़ मैसिव। यहाँ पे अंदर है गीतांजलि सैलून, देन दे हैव शॉपर स्टॉप, देन दे हैव वेस्ट साइड। सब दोनों जगह चलते हैं हम, बेसिकली शॉपिंग की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप अंदर से घूम घूम के आ सकते हो। और भी कुछ कुछ होगा आई थिंक, नीचे पैंटालूंस भी है, ऊपर बरिस्ता भी अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो, वेस्ट साइड। ये है पूल एरिया, पूल कितना सुंदर लग रहा है, पीछे आसमान तो और भी प्यारा। ये है पूल, पूल डिसेंट साइज का है, काफी बड़ा है, वह बच्चों के लिए भी अलग छोटा पूल है। एंड ये रहा बड़ा सा पूल, शाम हो गई है, काफी प्यारा, वेरी नाइस। ये रहा बेड्स, यू कैन चिल रिलैक्स, काफ़ी अच्छा पूल है, नाइस। एंड ये रही पूरी बिल्डिंग, नीचे से जाके व्यू देखते हैं इधर से क्या व्यू दिख रहा है। इधर कुछ व्यू तो है नहीं, नीचे घर वगैरह ही दिख रहे हैं, होटल छोटे, वो ग्राउंड है बड़ा सा, व्यू तो कुछ खास है नहीं, बट सनसेट काफ़ी प्यारा लग रहा है, लुक्स नाइस। ये इनका ब्रेकफास्ट एरिया है, काफ़ी बड़ा है। एंड ये मेरी टेबल है, एंड यहाँ से ये है मेरा मेट्रो व्यू, वेरी नाइस। तो ये है पूरा होटल, एंड ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाई दिया, पूल एरिया भी दिखा दिया। गाइस यही है, जिम वगैरह जाने रहे, इतना कुछ खास है नहीं। सो या दैट्स इट, एंड मैंने पूरा होटल आपको दिखाई दिया, पीछे से भी व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत ही प्यारा होटल है। होटल का प्राइस रेंजेस बिटवीन 4,000 to 5,000 पर रूम पर नाइट विद ब्रेकफास्ट, इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट पे, मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। एंड डिसेंट होटल है, अगर आपको आना है रिलैक्स करना है एंड फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ आओ। एंड प्लस पॉइंट ये है, बच्चों के साथ आ रहे हो तो स्मैश भी है उनके, वहाँ पे खेल सकते हैं बच्चे। एंड ऑल्सो थोड़ा सा नीचे शॉपिंग आर्केड भी इनके पास बना रखा है इन्होंने, विच इज़ अ प्लस पॉइंट, तो आप बोर नहीं होगे उस पर्सपेक्टिव से। लोकेशन वाइज भी अच्छा है, वेगस मॉल जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आई थिंक हार्डली हाफ किलोमीटर में वेगस मॉल है, सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ओल्ड होटल है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट नॉट एट ऑल बैड, डिसेंट स्टे, यू कैन कमेंट स्टे हियर। सो या दिस वॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन। Also, do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Now, I'll see you guys in my next video. Till then, toodles, bye.